नमस्ते सभी को। कल इस स्लाइड को सामने रखकर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो अपने को दिखता है कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, प्रकृति इकाइयों का समूह है। इकाइयां दो प्रकार से हैं, जड़ और चैतन्य। शून्य में बने रहते हुए हर इकाई स्वयं में ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है। जड़ और चैतन्य इकाइयों के सहअस्तित्व के रूप में चार अवस्थाएं हैं, और ये भी दिखता है कि विकास की जो संभावना है सिर्फ चैतन्य इकाई में है, मैं में है। बाकी इकाइयों में चक्रियता दिखाई देती है, मैं में विकास दिखाई देता है। इस पे हम लोगों ने अभी तक काफी चर्चा की है। नमस्ते भैया जी नमस्ते भैया, कल से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। कल के जो डिस्कशन हुआ था उससे रिलेटेड, ये हाँ जो हवा होती है, पानी होता है, रिवर, नदी, इन सबको हम किस में कैटेगराइज करते हैं, जड़ में या स्पेस में, किस में आता है ये? जड़ में आएगा, बट उसमें भी तो एक्टिविटी होती है ना। हाँ, पानी बहता है, हवा चलती है, हम कहते हैं तो एक्टिविटी तो है। तो जो जड़ चीजें होती है उनमें एक्टिविटी नहीं होता, ऐसे कहते हैं ना? नहीं नहीं ऐसा कहा है, हर इकाई में एक्टिविटी है। इनफैक्ट ऊपर जो लिखा है उसको आप देखें तो हर इकाई स्वयं में एक्टिव है और दूसरी इकाइयों के साथ एक्टिव है। तो हर इकाई अपने आप में एक्टिविटी है और परस्परता में एक्टिव है। तो हवा है, पानी है, उसके एक कण को देखें तो एक्टिविटी भी है और दूसरी इकाइयों के साथ एक्टिव भी है। तो एक्टिविटी तो प्रकृति के हर इकाई में हो, चाहे जड़ हो या चैतन्य हो। अगर हम नीचे जाएं मटेरियल तो जड़ में ही आएगा वो। हाँ ओके, यहाँ देखिए ना जो नेचर लिखा हुआ है, तो नेचर की हर इकाई एक्टिविटी है। ओके, जबकि स्पेस को देखें तो नो एक्टिविटी है। ओके भैया, थैंक यू भैया, बस उतना ही था। जी बढ़िया जी, इसमें तो काफी चर्चा हुई। तो पूरे अस्तित्व में देखेंगे तो पाएंगे कि मैं के अलावा बाकी सारी इकाइयां पहले से ही व्यवस्था में है, पूरी प्रकृति व्यवस्था में है, सारी जड़ इकाइयां व्यवस्था में है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ये भी व्यवस्था में है। ये जो अव्यवस्था दिखाई दे रही है वो मानव में दिखाई दे रही है, और मानव में भी जो अव्यवस्था है वो मैं में है, शरीर में नहीं। तो इतना ही करने का काम है। एक बार क्लिक करिएगा तो सिर्फ इतना ही करने का काम है कि मैं में व्यवस्था हो जाए। मैं में व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, पिछले डायग्राम में दिख रहा था कि ब्लॉक B1 एक्टिव हो जाए, तो ब्लॉक B1 एक्टिव हो जाए, यही कुल करने का काम है। और अभी हम जो प्रयास कर रहे हैं वो बात इसी बात के लिए कर रहे हैं कि ब्लॉक B1 हमारा एक्टिव हो जाए, यही कुल करने का काम है। पूरे प्रकृति में जो विकास की संभावना है वो मानव के मैं में इसी प्रकार से है कि मैं में जो ज्ञान का आयाम है वो जागृत हो जाए। पूरी शिक्षा का यही प्रयोजन है कि जो ज्ञान का आयाम है ब्लॉक B1 वो जागृत हो जाए, और उसी के लिए हम सुबह प्रयास कर रहे हैं। तो हम जो वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, वो जो मीटिंग कर रहे हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, सुबह का सत्र अटेंड कर रहे हैं, अल्टीमेटली देखें ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं का विकास हो जाए, इतना ही है। हाँ नमस्ते भैया। जी नमस्ते भैया, मेरा एक प्रश्न था कि किसी दूसरी इकाई भी ये कॉन्शियस है ना, ये हम कैसे पता करेंगे? जैसे कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऐसा बताया कि अगर मेरे यानी एक जीवन के संकेत को दूसरी इकाई पकड़ ले तो वो भी कॉन्शियस है, एक चीज। अब उसमें आजकल क्या हो रखा है कि जैसे रोबोट वगैरह है ना, तो उनको भी हम कुछ सिखा पढ़ा सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए कि दूसरी इकाई भी चैतन्य इकाई है, ये एक चैतन्य इकाई कैसे पकड़ेगी? देखिए चैतन्य इकाई में मानने की क्रिया है, रोबोट में मानने की क्रिया नहीं है, रोबोट तो प्रोग्राम्ड है। तो हम अपने आप में देखें तो मानने की क्रिया दिखाई देती है, शरीर में मानने की क्रिया नहीं दिखाई देती। शरीर भी एक निश्चित प्रकार से काम करता ही है कि नहीं? तो जैसे हमने अगर स्वास्थ्यवर्धक भोजन लिया तो शरीर एक तरह से पुष्ट होगा,
अगर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला भोजन लिया तो शरीर खराब हो जाएगा, तो शरीर में भी निश्चित प्रकार से पहचानना निर्वाह करना हो रहा है। वैसे कोडिंग हमने जैसे किया वैसे रोबोट काम कर रहा है, तो सामने से जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसके अनुसार वो प्रोग्राम है कि उसको कैसे एक्ट करना है। तो मानने की क्रिया नहीं है, जड़ इकाई में चैतन्य इकाई मानने की क्रिया है, यही पहचान है। जी भैया, भैया बट आजकल जैसे एआई के साथ ये है ना कि वो स्वयं में भी कुछ डिसीजन ले ही पा रहा है इस तरह से, या उसका भी बेसिस प्रोग्रामिंग ही है एक तरह से, इसको भी थोड़ा बताएंगे? उसका बेसिस भी प्रोग्रामिंग है। देखिए एआई में भी क्या कर रहे हैं हम, एक एडवांस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग है, तो ह्यूमन बीइंग जो कर रहा है उसी को हम कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। जी भैया, तो इतना ही है कि एआई में एक इंटेलिजेंस लेवल इस तरह से जो इंटेलिजेंस उसको जो कंप्यूटर का इंटेलिजेंस है ऐसा जोड़ा गया है कि वो बाकी चीजों को स्टडी करके जो पहले से कोड फिट किया हुआ था उससे वो नए नए इंस्ट्रक्शन बिल्डअप कर लेता है। जी भैया, हाँ इतना ही है। ठीक है, तो पहले हम लिखते थे प्रोग्राम करते 2+2, एंटर करते थे 4 लिखता था, अब हम पूछते हैं 2+2 और 4 बोल देता है। बढ़िया, ठीक है, हाँ वो तो सही है, वो बिकॉज विदाउट प्रोग्रामिंग तो कुछ होता नहीं है उसमें, ये बात ठीक है जी। एआई का मतलब है, चंद्रशेखर भैया पूछ रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मानव में जो इंटेलिजेंस है उसी की तरह से अगर कंप्यूटर या जड़ वस्तुएं काम करें उसके लिए कुछ बनाया गया है। तो वहां जिसको इंटेलिजेंस कह रहे हैं वो निर्णय जो ले हम ले रहे हैं उसी प्रकार का निर्णय कंप्यूटर से हम ले पाए। तो मानने की क्रिया कंप्यूटर में तो नहीं है, रोबोट में भी नहीं है, परंतु इस बात को देखा जा सकता है कि हम अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। सामने से कोई चीज आती है तो हम उसके आधार पर कैसे कैसे निर्णय लेते हैं, उस निर्णय लेने के तरीके को आर्टिकुलेट किया जा सकता है। उसी तरह से कंप्यूटर भी निर्णय ले सकता है, तो जैसे हम चलते हैं वैसे कंप्यूटर के माध्यम से एक रोबोट चल सकता है, लोग जैसे युद्ध करते हैं वैसे कंप्यूटर के माध्यम से युद्ध कर सकता है रोबोट, हम जैसे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं वैसे कंप्यूटर के माध्यम से मिलना जुलना हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब है निर्णय लेना ही, और निर्णय जो लिया जा रहा है वो प्रोग्राम्ड है, मानने के आधार पर नहीं है। जी ठीक है भैया, एक्चुअली ये प्रश्न इसलिए बार बार आता है, कई जगह पूछा जाता है वो, क्या कि एक बेसिस है जैसे विज्ञान का, ये बेसिस है कि इंटेलिजेंस जो है वो पदार्थ से है ना, हम ये कह रहे हैं कि नहीं वो एक अलग इकाई है, तो वो बेसिकली दर्शन के रूप में वो वहां पे है वो चीज, शायद इस वजह से है क्वेश्चन बार बार आता है। बाकी स्पष्ट आपने कहा जी जी, बेसिकली प्रचलित विज्ञान में चैतन्य की समझ नहीं है, तो ब्रेन की एक्टिविटी के रूप में मानव की हर एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, तो भी चैतन्य की समझ नहीं है, तो इसलिए उनको लगता है कि पूरी प्रकृति भी जड़ है, और जड़ के बारे में जितना हम शोध करेंगे उससे हम चैतन्य को, जिसको हम चैतन्य करें उसको समझ पाएंगे, मानव को समझ पाएंगे, बट ऐसा पूरा हो नहीं पाता, इसलिए वहां पे देखेंगे तो बहुत सारा डाउट और कंफ्यूजन भी बना हुआ है। जी बढ़िया भैया, थैंक यू, बढ़िया बताया, बढ़िया भैया। तो सार्वभौम व्यवस्था इस रूप में अपने को दिखाई देती है कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, और उसी आधार पर अपना जीना हो जाए। अस्तित्व सहअस्तित्व है ये अपने अनुभव में आ जाए, इसी अनुभव के आधार पर अपने अंदर समझ विकसित हो जाए, भाव विकसित हो जाए, इस समझ और भाव के आधार पर हमारा विचार निश्चित हो जाए, इसी विचार के आधार पर हमारा व्यवहार और कार्य निश्चित हो जाए, हमारी बड़ी व्यवस्था भागीदारी निश्चित हो जाए, और हम जीने में अखंड समाज को सुनिश्चित कर पाए, सार्वभौम व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाए। उसके लिए जो कुल करने का काम है वो यही है कि मैक में ये विकास हो जाए, जो ऊपर की क्रियाएं हैं वो जागृत हो जाए। तो आपको दिखाई दे कि एक छोर पे अनुभव है जिसके लिए हमें काम करना है, और दूसरे छोर पर भागीदारी करते हुए सार्वभौम व्यवस्था तक जाना है। अगर डायग्राम को देखिए तो नीचे जो सार्वभौम व्यवस्था दिखाई दे रही है, तो ये अपने को ध्यान में बना रहे कि जितना जितना हम अनुभव के लिए काम करते हैं उतना हम फैल कर भागीदारी कर पाते हैं,
और जितना हम फैल कर भागीदारी करते हैं उतना हम अनुभव के लिए गति कर पाते हैं। तो दोनों एक दूसरे का पूरक है। जितना हम स्वयं में जांचते हैं उतना हम उसको जी कर देखने को तत्पर हो पाते हैं, और जितना जी कर देख पाते हैं उतना स्वयं में जांचने को तत्पर हो पाते हैं। ये एक दूसरे को पूरक है। जी हाँ भैया जी, नमस्ते। नमस्ते भैया जी, ये जो भागीदारी है ना, आप समझाया था लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो हमें भागीदारी कहाँ पे करनी है? अपने विचारों में करनी है या मनन करना है? कहाँ पे करनी है भागीदारी, कैसे करनी है भागीदारी? हम करेंगे मानव के साथ, विशेष प्रकृति के साथ। तो विचारों में भागीदारी नहीं, जीने में भागीदारी। जैसे अभी आप देखिए, तो अभी हम लोग इतना सारा कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, है ना, ये कई लोगों की भागीदारी से हो पा रहा है। किसी ने ये पीपीटी का स्लाइड बनाया है, कोई सुबह जूम स्टार्ट किए हैं, कोई यहाँ पे मॉडरेशन कर रहे हैं, कोई बात रख रहे हैं, है ना, कोई इसका पूरा टेक्निकल बैकअप देख रहे हैं, उसकी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ये भागीदारी है, हम एक व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। तो इसमें मानव का मानव के साथ व्यवहार भी हो रहा है, मानव का शेष प्रकृति के साथ कार्य भी हो रहा है। प्रयोजन क्या है कि शिक्षा संस्कार ठीक हो जाए, शिक्षा संस्कार का जो आयाम है उसमें सही वस्तु चली जाए, मानव का मानव के साथ जीना ठीक हो जाए। तो व्यवस्था में भागीदारी हो रही है। तो भैया जी, चिंतन चिंतन भी भागीदारी का हिस्सा है क्या? चिंतन में हमको भाव स्पष्ट होता है कि भागीदारी करेंगे तो किस भाव के साथ, तो विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, ये चिंतन में स्पष्ट होता है। बट चिंतन में बैठे बैठे स्पष्ट नहीं होता। जब हम मानव के साथ व्यवहार करते हैं और इस बात का आकलन करते हैं कि मेरे व्यवहार से अगला व्यक्ति सुखी हुआ कि नहीं, अपने भाव से मैं स्वयं सुखी हुआ कि नहीं, तो हम फिर धीरे धीरे सही भाव तक पहुंच पाते हैं। तो चिंतन में भागीदारी का भाव स्पष्ट होता है, और जब जीते हैं तो हम भागीदारी करते हैं। अच्छा, तो भागीदारी का भैया मतलब ये हुआ कि शेष प्रकृति और मानव के साथ जो भी मतलब है, जो भी हमारा व्यवहार है, आचरण है, वो किस भाव से प्रस्तुत हो रहे हैं उसी को भागीदारी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, तो उस भाव के साथ हम जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें हम व्यवहार भी कर रहे हैं, दूसरे इकाइयों के साथ कार्य कर रहे हैं, फिर उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं, इससे मैं सुखी हुआ कि नहीं, दूसरा व्यक्ति सुखी हुआ कि नहीं कि नहीं। बढ़िया। तो आप पाएंगे जो भागीदारी है ये हमारे समझने के क्रम में एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अगर हम भागीदारी ना करें तो हमारे अंदर सही भाव सुनिश्चित नहीं होता और हम अधिक से अधिक विचार कर पाते हैं। भाव को सुनिश्चित करने में, सही भाव को पहचानने में भागीदारी की अनिवार्यता है। जी, उसी चीज को यहाँ पे जो नीचे डायग्राम बना हुआ था, उसको एक्सपेंड किया गया। तो इस पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, मॉड्यूल 3 में विस्तार से बात करेंगे इसके ऊपर। इस पे कई बार आंशिक रूप से बात होती भी रही है ना, और देखें तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंसिवली जब कह रहे हैं तो मुख्य मुद्दा तो ये ब्लॉक B1 की क्रियाओं को समझना है। तो कॉन्टेम्प्लेशन हो जाए हमारे अंदर व्यवस्था में भागीदारी का। तो जैसे हम विश्वास का भाव को देखें, तो मानव को सुखी करना चाहता है, ये बात हमको सहज रूप से दिख जाए। जब ऐसा हम देखने जाते हैं तो मानव क्या है इसका बोध भी होता है। वैसे शेष प्रकृति की बात करें तो हम शेष प्रकृति के साथ पूरक होना चाहते हैं, शेष प्रकृति क्या है इस क्रम में हमको उसका बोध भी होता है। फिर इस बात को देखते देखते हमें संबंध और व्यवस्था का जो आधार है उस पर ध्यान जाता है, दिखता है कि संबंध और व्यवस्था का जो आधार है वो प्रकृति का शून्य में संपृक्त होना है ना। इस पे पिछले दिनों बात भी हुई जब कृष्ण जी का एक प्रश्न आया था। तो हमें संबंध को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए इसके आधार को देखने की प्रेरणा बनती है कि अल्टीमेटली मानव को सुखी क्यों करना चाहता है, ऐसा है तो कैसे है, इसका आधार क्या है, मानव शेष प्रकृति को पूरा क्यों होना चाहता है, प्रकृति कैसे
एक दूसरे के लिए पूरक है, प्रकृति इकाइयां कैसे एक दूसरे के लिए पूरक है, मानव कैसे एक दूसरे के लिए पूरक है, इसका आधार क्या है। जब प्रेरणा हमारी वहां तक बनती है, जिज्ञासा वहां तक बनती है, तो फिर हम उसको भी जांचना शुरू करते हैं। उस क्रम में हमें दिखाई देता है कि शून्य है जो व्यापक है, हर जगह व्याप्त है, उसमें इकाइयां बनी हुई है और बनी रहते हुए इकाइयां नियंत्रित हैं, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, उर्जित भी है। ये बात हमको देखने में आ जाती है कि आधार में शून्य है और शून्य में बने रहते हुए इकाइयां निश्चित प्रकार से आचरण कर रही है, निश्चित प्रकार से बनी हुई है, निश्चित प्रकार से आचरण कर रही है। तो हमको अनुभव होता है, सहस्तित्व का अनुभव होता है। ये जब होता है तो फिर हमारे जो नीचे की क्रियाएं हैं वो सारी व्यवस्थित हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, है ना। तो हमें सहस्तित्व का अनुभव होता है, उससे व्यवस्था का जो बोध हो रहा है वो पूर्ण हो जाता है, व्यवस्था में भागीदारी का जो चिंतन हो रहा था वो पूर्ण हो जाता है। तो अभी तक हम जो विचार करते रहे प्रेहित लाभ के अर्थ में, अब उससे हम निकल कर न्याय धर्म सत्य के आधार पर प्रेहित लाभ की जो दृष्टियां हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं, फिर हम उस प्रकार से विचार करते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रिय कोई वस्तु को पाने के लिए हम संबंध का वायलेशन कर देंगे, है ना, या अपने लाभ के लिए हम संबंध का वायलेशन कर देंगे, या अपने शरीर के भोग के लिए हम संबंध का वायलेशन कर देंगे, है ना, अपने हित के लिए शरीर का किस संबंध का वायलेशन करेंगे, नहीं। अब हमको संबंध ज्यादा प्रायोरिटी का दिखता है, तो जीने में संबंध अब ज्यादा हायर प्रायोरिटी का दिखाई देता है। जहां पहले हम शरीर से मिलने वाले संवेदनाओं से सुखी होने में लगे हुए थे, उसके बजाय अब हम संबंध में सही भाव का निर्वाह करके सुखी बने रहते हैं और फिर इनका सदुपयोग करते हैं। तो हम शरीर का सदुपयोग करते हैं, पहले जहां हमारी दृष्टि भोग की थी अब सदुपयोग की बनती है शरीर के प्रति। जहां शरीर से अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने की थी, वहां हम शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं उसको ठीक से पहचानते हैं और उसके अनुरूप सुविधाओं की प्रबंध करते हैं। वैसे जहां हमारी दृष्टि सुविधाओं को लेकर पहले संग्रह और भोग की बनी हुई थी, या संग्रह के लिए जो हम विनिमय में लाभ को केंद्र में रखकर विनिमय कर रहे थे ना, अब उसके बजाय हम संबंध को केंद्र में रखकर विनिमय करते हैं। तो हमारी दृष्टि अब लाभ की नहीं, हमारी दृष्टि अब पूरकता की है ना, कि हर व्यक्ति को उसके श्रम के अनुसार उसका प्रतिफल मिल जाए, उसका रिवॉर्ड मिल जाए, हमारी आवश्यकता भी पूरी हो, अगले की आवश्यकता भी पूरी हो, हमारे घर में अधिक से अधिक संग्रह हो जाए और दूसरे घर में खाने को भी ना हो, ऐसा ना, हर परिवार में समृद्धि हो, ऐसी हमारी दृष्टि बन जाती है। तो जब हमारे अंदर ज्ञान पूर्ण होता है तो हमारा पूरा विचार परिमार्जित हो जाता है न्याय के अर्थ में, धर्म के अर्थ में, सत्य के अर्थ में। अब हम विचार करते हैं, उससे जो नीचे की दृष्टियां हैं वो नियंत्रित रहती हैं, उसी अर्थ में अब क्रियाशील रहती है। इस पर हम लोग विस्तार से आगे बात करेंगे। वैसे जो आस्वादन अभी हम संवेदनाओं से सुखी होकर, सुखी होने के लिए प्रयास कर रहे थे आस्वादन में, कि हमें शरीर से जो संवेदना मिल रही है उससे हम सुखी हो जाएं, उसके बजाय ये जो ज्ञान हमारे अंदर स्थापित हुआ तो हमको जीने का लक्ष्य दिखाई देता है ना। तो अब हमारे अंदर उस लक्ष्य का आस्वादन होता है कि समाज में मानव लक्ष्य पूरा हो जाए। हमें मूल्यों का आस्वादन होता है, उस लक्ष्य के आस्वादन से, मूल्य के आस्वादन से हम हर क्षण सुखी रहते हैं और उसके आधार पर अब हम संवेदनाओं का सदुपयोग करते हैं। तो जैसे अगर रुचियों को देखें तो शरीर की जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार हम भोजन लेते हैं, उसके अनुसार हम वस्त्र लेते हैं, उसके अनुसार हम शरीर को संरक्षण देने की योजना बनाते हैं। तो अब हम इस लक्ष्य मूलक आस्वादन के साथ, भाव मूलक आस्वादन के साथ अपनी रुचियों का सदुपयोग करते हैं, तो ऐसी हमारी स्थिति बन पाती है ना, मैं में विकास के साथ। तो अल्टीमेटली देखें तो ये काम अपने को करना है, ब्लॉक B1 में जो पर्पल कलर में क्रियाएं लिखी हैं, या इनको जागृत करना है ताकि नीचे की जो क्रियाएं हैं वो व्यवस्थित हो जाए। तो हमारी इच्छाएं निश्चित हो जाए, विचार निश्चित हो जाए, आशा निश्चित हो जाए, तो हमारा जब भी व्यवहार हो, सुखी होकर हो,
और सुखी होकर हम दूसरे को सुखी करने के अर्थ में व्यवहार करें। जब भी हम कार्य करें तो अपने आप में समृद्ध महसूस करते हुए करें, ताकि हम बाकी इकाइयों को भी संवर्धित कर पाए, संरक्षित कर पाए, उनका सदुपयोग कर पाए। तो म्यूचुअली फुलफिलिंग हो, हमारा बिहेवियर म्यूचुअली फुलफिलिंग हो तो होने भी लगता है। एक बार हमारे अंदर ज्ञान सुनिश्चित होता है तो हमारा व्यवहार जो है म्यूचुअली फुलफिलिंग हो जाता है, कार्य जो है म्यूचुअली फुलफिलिंग हो जाता है जो हम शेष प्रकृति के साथ कर रहे हैं। और भागीदारी ह्यूमन गोल को फुलफिल करने के अर्थ में होता है। तो आप खुद भी देख रहे होंगे कि जितना जितना अभी हम इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं, जितना जितना हम उसको स्वयं में जांच रहे हैं, जी कर देख रहे हैं, उतना हमारे आचरण में परिवर्तन होता जा रहा है कि नहीं। अभी जो रिफ्लेक्शन आते हैं, जैसे बैच 6 का हम लोगों ने रिफ्लेक्शन लिया, लोगों ने बहुत सारी घटनाएं बताई कि कैसे उनका व्यवहार बदला है, कैसे उनका विचार में परिवर्तन आया है, कैसे सुविधाओं को पहचानने में परिवर्तन आया है, कि सुविधाओं की जो आवश्यकता है उसको ठीक ठीक पहचान पा रहे हैं, कौन सी सुविधा मेरे लिए आवश्यक है, कौन सी आवश्यक नहीं है, उसको ठीक ठीक देख पा रहे हैं, है ना। जहां पहले लक्ष्य अधिक से अधिक धन संग्रह करने का बना हुआ था, या ऊंचे पद पे जाने का बना हुआ था, या अधिक से अधिक लाभ कमाने का बना हुआ था, है ना, या नाम कमाने का बना हुआ था, उसके बजाय अब हम अखंड समाज के अर्थ में विचार करने लगे, सभी को सही शिक्षा सुलभ हो जाए उसके अर्थ में विचार करने लगे, हर घर में समृद्धि हो जाए उस अर्थ में विचार करने लगे। तो जितना जितना हमारे अंदर ज्ञान के लिए प्रयास होता है, उतना हमारे जीने में परिमार्जन होने ही लगता है जी। तो ये मानव चेतना में जागृत होना है, यही मानवतापूर्ण आचरण है। तो मानवतापूर्ण आचरण क्या है कि हमारे अंदर ब्लॉक B1 एक्टिव हो जाए, उसी का रिफ्लेक्शन है जो बाहर जाता है हमारे आचरण में। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते सर। जो मैं सोचता हूँ कि जितना भी विकास हो रहा है हमारे यहाँ, ये विकास पूरा नॉन साइक्लिक है, और दूसरी तरफ देखें साहब, विकास की तरफ हम जो जा रहे हैं, पहले हिंदुस्तान में कहा जाता है 30-34%, जबकि विलेजेस थे, बड़े बड़े शहर भी नहीं थे, प्रोडक्शन करते थे टोटल GDP का। अब विकास करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस बना के हम 1% मुश्किल से कर पा रहे हैं। और सब मैंने अपने ऊपर एक और ऑब्जर्व करके देखा कि कम से कम उसका वो करें, जैसे पॉलीथीन इकट्ठी कर ली, दोबारा यूज कर ली, ट्रिपल यूज कर ली। अब उससे सर घर में भी प्रॉब्लम होने लगती है, घर वाले कहते हैं यार तुम क्या हरकतें करते रहते हो, पॉलीथीन इकट्ठी तय करके रख लेते हो। तो ये भी एक, या तो ये कहें साहब उन्हें समझ नहीं हो पा रही, ये कंफ्लिक्ट का कारण बनती जाती है। दो चीज मैंने साहब बड़ी माइनोरिटी ऑब्जर्व कर ली है, कहते हैं तुम पुरानी चीजें यूज करने पर लगे रहते हो, फेंक क्यों नहीं देते हो। तो मेरा साहब ये वो था। अच्छी बात है ना, आपको उन चीजों के साथ संबंध दिखाई दे रहा है तो आप उनका सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं, तभी धीरे धीरे समाज में कंज्यूमरिज्म बढ़ता जा रहा है। अब हम अधिक से अधिक चीजों का प्रयोग कर रहे हैं और उनका सदुपयोग हम कम कर पा रहे हैं। तो अगर हमारा ध्यान जाता है तो फिर हम वस्तुओं का सदुपयोग करते हैं, उससे अच्छी बात यह होती है कि हमारे पास सुविधा संग्रह के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना होता, हमको सुविधा संग्रह के लिए बहुत प्रयास नहीं करना होता, तो हमारे पास काफी समय होता है ज्ञान के लिए। तो अगर हम अधिक से अधिक चीजों का दुरुपयोग करें, हमको फिर अधिक से अधिक चीजों का अर्न भी करना पड़ेगा, उनको उत्पादन करना पड़ेगा, उत्पादन करने के लिए समय लगाना पड़ेगा, तुम्हारा बहुत सारा समय तो अनावश्यक चला जाएगा। बट यदि हम सुविधाओं की आवश्यकता का ठीक से पहचान करें, उनका सदुपयोग करें, तो हमारे पास काफी समय रहता है मैं के लिए, स्वयं के लिए लगाने के लिए। जी नमस्ते। नमस्ते जी। मुझे अभी भी ये जैसे लिखा हुआ है ब्लॉक B2 के नीचे में, B1 जागृत होने के बाद हमारा बिहेवियर जो मानव के साथ होगा, हमारा व्यवहार जो होगा, हमारा कार्य होगा प्रकृति के साथ में, तो वही लार्जर ऑर्डर में पार्टिसिपेशन है, या फिर
मतलब वो उससे अलग है. मेरा मतलब क्वेरी इसी के लिए है कि पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर क्या है, यही है कि उससे अलग है, और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या है फिर? जी तो देखिए, अभी हम जो म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं मनुष्य के साथ, उसको बिहेवियर का म्यूचुअल इंटरेक्शन जो कर रहे हैं जड़ वस्तुओं के साथ, उसको कार्य कहा. बट आपको दिखाई दिया कि मेरा व्यवहार है, कार्य है, ये एक बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के क्रम में है. तो जैसे परिवार की एक व्यवस्था है, परिवार में हम भागीदारी करते हैं, तो व्यवहार भी कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, बट हम पूरे परिवार में एक व्यवस्था को बनाए रखने का अर्थ कर रहे हैं. तो हम इसको भी मूल्यांकित करते हैं कि मेरे व्यवहार से, मेरे कार्य से परिवार में व्यवस्था सुनिश्चित हो पा रही है कि नहीं. तो हमें परिवार की जैसे आवश्यकता को पहचानना होता है. तो ये हो सकता है कि मेरा व्यवहार तो ठीक है ना, मेरा कार्य भी ठीक है, बट मैंने परिवार की आवश्यकता का ठीक ठीक आकलन नहीं किया. परिवार की आवश्यकता पूरी हो रही है कि नहीं, इसका मैंने आकलन नहीं किया. तो मेरा व्यवहार और कार्य ठीक होते हुए भी मैं परिवार की व्यवस्था में ठीक से भागीदार नहीं हूँ. तो मैं अपने से बड़ी व्यवस्था को भी पहचानने का प्रयास करता हूँ. वैसे ही परिवार से आगे चले, परिवार समूह है, परिवार समूह से आगे चले तो उनका भी एक समूह है. तो हम भागीदारी को भी मूल्यांकित करते रहते हैं. इसलिए व्यवहार कार्य करते हुए हम एक बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रहे होते हैं, समाज में भागीदारी कर रहे हैं, प्रकृति में भागीदारी कर रहे हैं. जैसे अभी हम यहाँ, अभी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो पूरे कॉलेज की व्यवस्था में आपकी भागीदारी है. तो अगर म्यूचुअल बिहेवियर तो ठीक ही रहे, म्यूचुअल वर्क जो हम जड़ी का अवसर कर रहे हैं वो तो ठीक ही रहे, बट आप ये भी देखते हैं पूरे कॉलेज में हारमोनी बन पा रही है कि नहीं. तो आप फिर लोगों कहते हैं भाई आप वर्कशॉप कर लीजिए, अगर कहीं वेस्टेज हो रहा है तो उसको आप नियंत्रित करते हैं, अगर प्लांटेशन की जरूरत पड़ी तो प्लांटेशन भी कराते हैं. तो आप पूरे कॉलेज को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं. ये बड़ी व्यवस्था भागीदारी है. तो हम व्यवहार करते हुए, कार्य करते हुए, एक जो लार्जर ऑर्डर को हम ठीक से जब समझ पाते हैं तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसके साथ फिर हम यूनिवर्सल ऑर्डर में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. क्योंकि जो लार्जर ऑर्डर है यूनिवर्सल ऑर्डर का एक हिस्सा है. यूनिवर्सल ऑर्डर मतलब अगर देखें तो धरती के अगर क्रम में देखें तो धरती पे व्यवस्था बनी रहे, अगर पूरे यूनिवर्स को देखें तो पूरे यूनिवर्स में व्यवस्था बनी रहे कि नहीं. तो हम ऐसा ना हो कि धरती पे इतना पॉल्यूशन कर दें, इतना क्लाइमेट चेंज ला दें कि मानव बचे ही नहीं, पेड़ पौधे बचे ही नहीं, धरती आग का गोला बन जाए, न्यूक्लियर वॉर कर दें, धरती तो पूरा आग का गोला बन जाए. तो इससे धरती तो प्रभावित होगी तो होगी, इससे पूरा सोलर सिस्टम भी प्रभावित होगा कि नहीं. तो हम इतना फैल कर सोच पाते हैं. तो हम सार्वभौम व्यवस्था भागीदारी की सोच पाते हैं. वैसे सार्वभौम का मतलब ये होगा सर्वभूमि पर. तो हम अपने प्लैनेट की ही बात करें, धरती पे व्यवस्था बनी रहे जी. तो मतलब परंपरा बन जाए पीढ़ी दर पीढ़ी. हाँ, जैसे आज के दिन हमारे पास पेट्रोलियम है, हम खर्च किए जा रहे हैं, दो पीढ़ी बाद पेट्रोलियम नहीं रहेगा हमारे बच्चों के लिए. वैसा नहीं करने, पूरा कंज्यूम कर लिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचा ही नहीं. तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर सब में राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग आएगी तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एस्टेब्लिश हो जाएगा. बिल्कुल. अच्छा ठीक ठीक है. थैंक यू कुमार भैया, थैंक यू. बढ़िया भैया, ये दिखाई देता है कि डेवलपमेंट सेल्फ में होना है और हमें एजुकेशन के द्वारा हर व्यक्ति को डेवलप करना, हर सेल्फ को डेवलप करना, यही हमारा कार्यक्रम है. एजुकेशन में ठीक से काम होगा तो समाज के बाकी आयाम में भी काम होगा जी. तो इस पर हमने बात की. तो इसमें आप पाएंगे कि एक छूट पे तो हम अनुभव के लिए गति कर रहे हैं. जैसे जितने प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को हम अपने आप में समाधानित होने के क्रम में पूछ रहे हैं, जिससे हमारा व्यवस्था पे ध्यान जा रहा है. क्या होता है, जीने के जो मुद्दे हैं उस पर अगर हम समाधानित ना हो पाए तो हमारा ध्यान वहीं फंसा रहता है. जब उस पर हम धीरे धीरे समाधानित होने लगते हैं तो जो मौलिकता है उस पर हमारा ध्यान जाता है. तो व्यवहार के मुद्दे पे थोड़ा समाधानित हुए, कार्य के मुद्दे पे समाधानित हुए, सुविधाओं को लेकर समाधानित हुए, तो हमारा व्यवस्था पे ठीक से ध्यान जा पा रहा है, हमारा भागीदारी पे ठीक से ध्यान जा पा रहा है.
तो जब समाधानित हुए तो भागीदारी भी फैल कर कर पाए। तो एक छोर पे स्वयं में अनुभव के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे छोर पे हम सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। अभी हम यहाँ बीच में कहीं है ना, हो सकता है ब्लॉक B2 में एक्टिव है, तो ब्लॉक B2 में भी हम इच्छा को और विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कम से कम हमारे अंदर सुख की इच्छा तो ठीक से विकसित हो जाए। अभी हमारे अंदर सुख की आशा है, सुख की इच्छा भी हो सकता है न विकसित हुई हो। सुख की आशा और इच्छा में क्या अंतर है? सुख की आशा मतलब बाहर से कुछ मिल जाए और हम सुखी हो जाए। सुख की इच्छा मतलब हम इस बात को चित्रित कर पा रहे हैं कि सुखी होना क्या होता है। कभी हम कई बार इसको चित्रित भी नहीं कर पाते कि सुखी होना क्या होता है, उसमें मान्यताएं मिल जाती है, संवेदनाओं का प्रभाव आ जाता है। तो हम कम से कम व्यवस्था को समझने के अर्थ में, व्यवस्था के जीने के अर्थ में इच्छा को ठीक से विकसित कर पाए, तो हम व्यवस्था को चित्रित कर पाए, हम भागीदारी को चित्रित कर पाए, तो अभी हम ब्लॉक B2 में भी बहुत सारा काम हो सकता है हमारे लिए करना शेष है, तो ब्लॉक B2 में अपने को काम कर पाए, ये करते हैं तो हमारा भागीदारी भी पहले से ज्यादा व्यवस्थित होता है। और इसी तरह से गति करते हुए ग्रेजुअली हम रियलाइजेशन तक पहुंच पाते हैं और यूनिवर्सल ऑर्डर में हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो हम अपने आप में ज्ञान के लिए कितना गति कर पाए उसका एक्सप्रेशन बाहर मिलता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि मुझसे दोस्त कहते हैं आप बिल्कुल बदल गए हो, पहले जहां हर बात पे झल्लाते थे, गुस्सा करते थे, चीखते चिल्लाते थे, अब शांत रह जाते हो, क्या हो गया आपको? अब एक्सप्रेशन आउटसाइड हो रहा है, आपके अंदर विश्वास का भाव धीरे धीरे पुष्ट होने लगता है, संबंध का भाव पुष्ट होने लगता है, तो आपके व्यवहार में दिखता है वो झल्लाहट, वो गुस्सा, वो रिएक्शन कम होने लगता है। पहले आप हर वीकेंड पर जहाँ मॉल जाते थे और सुविधाओं को संवेदनाओं के आधार पर जाके परचेज कर लाते थे, घर में भरते रहते थे, कपड़े का अलमीरा पूरा भरा हुआ है, किचन में अप्लायंसेस भरे हुए हैं, ड्राइंग रूम में सामान इतना भर गया कि चलने की जगह नहीं है, ठोकर कर खा खा के चल रहे हैं। अब आपको दिखता है इतनी सब सुविधाओं क्या जरूरत है ना, अब आप उनमें ज्यादा को विदा कर देते हैं, अब आप दोबारा मॉल में अनावश्यक सुविधाओं को लेने नहीं जाते हैं। तो जब अगला व्यक्ति देखता है इसको तो दिखता है कि ये क्या हो गया, आपका तो घर का पूरा रूप बदल गया, आपका वीकेंड का प्रोग्राम बदल गया, ये एक्सप्रेशन आउटसाइड है। तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान होती है, तुम्हारे अंदर सदुपयोग का भाव एक्सप्रेशन आउटसाइड है। कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो देखता है कि आपके पूरे घर का परिदृश्य बदल गया, आपके वीकेंड का कार्यक्रम बदल गया, जहां आप सुविधाओं को देखते ललायित हो जाते थे पहले। कई बार मैं देखता हूँ लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, सामने से कार निकली, अरे ये तो नया मॉडल आ गया है ना, जरा देखें क्या है इस मॉडल में, अब जाके उसको एक्सप्लोर करने लगे, अच्छी खासी कार है, अभी 2 साल भी नहीं हुए, अब वो कार बेकार हो गई कि नहीं, अब नया कार लेना है, अब उसके लिए पैसा जुटाना है, पैसा लगाना है, नहीं तो EMI पे लेना है। तो ये कार तो हो गया, ये 4 सीटर है, 5 सीटर, 5 सीटर है, 7 सीटर। तो पहले हो सकता है हमारा जीना ऐसा था, तो हम दोस्तों के साथ बात भी करते थे तो इन्हीं मुद्दों पे, कार में बैठे हैं दूसरी कार को देख ललायित हो गए और फिर उसकी चर्चा शुरू कर दी, इसमें क्या फीचर्स है भाई, किसी ने देखा है क्या, पता करो जरा क्या फीचर्स हैं इसमें। तो हमारे बातचीत का कंटेंट क्या था? सुविधा। अब हमारा बातचीत कंटेंट हो सकता है बदल जाए, हमको पहले से दिख रहा है जो कार है उसमें बैठने के लिए लोग कम है, 2 लोग बैठे हैं, 2 सीट खाली है, तो फिर हम अब इस ढंग से नहीं विचार करते कि नई बड़ी कार आ जाए, हम सोचते हैं इस कार का कैसे और सदुपयोग हो जाए, 2 और मित्रों को साथ बैठा ले, उनको भी उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। तो ये एक्सप्रेशन आउटसाइड है। अब हम मित्रों से बात करते हैं तो ये नहीं कहते देखो नई कार में क्या क्या फीचर्स है, हम कहते हैं कि भाई देखो हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे 2 दोस्त और हैं जो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर उनको साथ में ले लें। अब हमारे बातचीत का कंटेंट बदल गया, अगले व्यक्ति उसको ऑब्जर्व करता है कि पहले आप किसी को कार में है ना या तो बैठाते नहीं थे, बैठाते थे तो 10 तरह की बातें बोलते थे है ना, कहीं शो ऑफ होता था, अब आपका एक्सप्रेशन अलग तरह का है, तो अगला इसको ऑब्जर्व भी कर रहा है। तो हम जितना जितना स्वयं में समझ पाते हैं, सही भाव सुनिश्चित कर पाते हैं, उतना हमारे एक्सप्रेशन में जाता है, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में। तो इसको आप लोग ऑब्जर्व करें अपने आप में कि आपके एक्सप्रेशन में जा पा रहा है कि नहीं है ना। तो जितना इतना हम अपने अंदर ज्ञान के लिए काम करेंगे उतना तो हमारे एक्सप्रेशन में जाएगा ही।
तो कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन के रूप में देखें तो हमने मानव को और अस्तित्व को समझने का प्रयास किया। उसमें जितना अभी तक UHV-1 UHV-2 में डिस्कशन हुआ था, इनफैक्ट उसमें हम लोग आगे भी गए, तो हम लोगों ने उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को रिकॉल किया। और इससे एक हम चीजें कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इंश्योरिंग हार्मनी इन ह्यूमन बींग एंड ह्यूमन कंडक्ट इज इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग थॉट इन द सेल्फ, एंड सेल्फ इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो हम इस चीज को देख सकते हैं कि पूरे अस्तित्व में अल्टीमेटली जो विकास होना है वो मैं में होना है, सेल्फ में कि नहीं। और सेल्फ में विकास का मतलब ही क्या है कि सही समझ सुनिश्चित हो जाए, सही भाव सुनिश्चित हो जाए, इसके आधार पर सही विचार सुनिश्चित हो जाए। तो इससे हमको ये भी दिखाई देगा कि अल्टीमेटली काम सारा सेल्फ पे होना है, सेल्फ के द्वारा सेल्फ में काम होना है, शरीर उसके लिए साधन मात्र है। तो इस पूरी शरीर यात्रा का जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो यही है कि ये जब तक शरीर बना हुआ है उसका सदुपयोग करके ज्ञान सुनिश्चित कर ले। तो अभी हम हो सकता है शरीर पे ध्यान देते हैं बट हमारा भाव अलग रहता है, कि हमारी त्वचा अधिक से अधिक समय तक बिल्कुल चिकनी बनी रहे, बिल्कुल हम 50 के होके भी 30 के दिखाई दें, है ना, हम अधिक से अधिक लंबी आयु जिए, 90 साल 100 साल जिए। अभी हो सकता है हमारा कंसर्न वहां हो, अब हमको दिखता है कि जैसा भी शरीर है इसका सदुपयोग करके मैं ज्ञान सुनिश्चित कर लूं, मैं दूसरों के अंदर ज्ञान सुनिश्चित करने में भागीदार हो जाऊं, और इस क्रम में मैं शरीर का ज्यादा अच्छे से ध्यान भी रख पाता हूं। तो शरीर का मैं बेहतर ढंग से ध्यान रखता हूं और शरीर का सदुपयोग करता हूं, तुमको दिखाई देगा कि सेल्फ इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू इलैबोरेट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दिस विल बी द रनिंग थीम एंड थ्रेड ऑफ द होल कोर्स। तो पूरे कोर्स में हम अल्टीमेटली इस चीज को एक रनिंग थ्रेड के रूप में चलेंगे कि अस्तित्व को देखने वाला भी कौन है, तो मैं हूं, ठीक। तो जितना जितना मैं अपने आप में काम करता हूं मुझे पूरा अस्तित्व दिखाई देने लगता है, मैं अपने अंदर चिंतन के लिए काम करता हूँ संबंध दिखने लगता है, बोध के लिए काम करता हूँ व्यवस्था दिखने लगती है, अनुभव के लिए काम करता हूँ अस्तित्व दिखने लगता है। तो हम जितनी भी बात करेंगे उसको समेट कर अल्टीमेटली ये चिंतन बोध अनुभव पे ले आएंगे, ये हमारा फोकल पॉइंट बन जाए। तो जहां हम पहले सुविधाओं में फंसे हुए थे उससे ध्यान दिलाया कि नहीं भाई, सुविधा तो मानव के लिए साधन है, मानव पे ध्यान गया, मानव से समेट के मैं पे ध्यान गया, मैं से समेट के मैं में भी जो ब्लॉक B1 है उस पर ध्यान गया। अब ब्लॉक B1 में चिंतन बोध अनुभव पे ध्यान दे रहे हैं, आप पाएंगे अल्टीमेटली उसमें भी जो कोर इश्यू है वो अनुभव का है, है ना। तो इस अनुभव की क्रिया पे हम लोग बात करेंगे, बोध की क्रिया पे बात करेंगे, चिंतन की क्रिया बात करेंगे, यही हमारा पूरे कोर्स में रनिंग थ्रेड के रूप में रहेगा। तो असाइनमेंट है आज के लिए कि हैविंग अज्यूम्ड और अंडरस्टूड नेचर और एग्जिस्टेंस इन डिटेल, हैव यू चेंज्ड योर लिविंग पैटर्न, योर चॉइसेस, फॉर एग्जांपल चॉइस ऑफ फूड, डेली रूटीन। तो इस पूरी बात को समझ कर क्या आपने अपने जीने के तरीके में कोई परिवर्तन लाया है, आपके चॉइसेज, आपके सिलेक्शन में कोई परिवर्तन हुआ है? जैसे भोजन पहले हो सकता था स्वाद के अर्थ में लेते थे, अब स्वास्थ्य के अर्थ में लेते हैं, कपड़ा पहले सम्मान के लिए पहनते थे अब शरीर के स्वास्थ्य के लिए पहनते हैं, जो हम वस्तुएं प्रयोग कर रहे हैं हो सकता है पहले शो ऑफ के लिए करते थे कई बार, अब सदुपयोग के लिए करते हैं। तो क्या ऐसे परिवर्तन हुए हैं हमारे जीने में, उसको आप आर्टिकुलेट करें। टू व्हाट एक्सटेंट यू आर एबल टू सी द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी इन टर्म्स ऑफ देयर नीड्स, देयर एक्टिविटीज एंड द रिस्पॉन्स। अभी हम मैं और शरीर की आवश्यकता, उनकी क्रिया और रिस्पॉन्स में कितना अंतर देख पाते हैं, इसको भी आर्टिकुलेट करें। आर यू एबल टू सी दैट सेल्फ इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड बॉडी यूज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू गिव सम डिटेल्स। तो क्या हम इस बात को देख पाते हैं कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ? तो जितनी बात हुई मुझे लगता है आपका ऑलरेडी इन सब मुद्दों पर ध्यान गया है,
बट ये एक असाइनमेंट के रूप में रहेगा आज के लिए, कल हम लोग इस पे आपका रिफ्लेक्शन लेंगे। जी रश्मि जी नमस्ते भैया जी। नमस्ते। एक्चुअली उस समय आपने ना दो पॉइंट बोले, दो बात बोली और वो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर आपके बोलने तक मेरे समझने का मतलब ऐसा एक प्रोसेस हो गया। वो एक छोर पे हम अनुभव के लिए काम कर रहे होते हैं, दूसरे छोर पर हम सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर रहे होते हैं। अच्छा, तो हमारी स्वयं में स्थिति बनती जाती है ज्ञान के साथ और वो एक्सप्रेशन में आता है। आया भैया जी अनुभव के लिए। जी हम अनुभव के लिए स्वयं में काम कर रहे होते हैं और हम परस्परता में भागीदार होते जाते हैं। अनुभव के लिए क्या काम कर रहे हैं और परस्परता में भागीदारी कर रहे हैं, ये दो अलग अलग बात हुई ऐसा बोल रहे हैं आप? तो जो परस्परता में कर रहे हैं वो एक्सप्रेशन आउटसाइड है। तो जैसे अभी आप परिवार में भागीदारी कर रही हैं, ना, परिवार की आवश्यकता को पूरा करने में लगी हुई है, तो एक्सप्रेशन है। बट आपके अंदर जो भाव है वो तो आपके स्वयं में है ना, तो आपके अंदर जो दूसरों के प्रति स्नेह का भाव है, परिवार में ममता का भाव है, वो आपके स्वयं में स्थापित है या स्थापित होने के क्रम में है, और वही चीज आपके एक्सप्रेशन में जाता है, आपके व्यवहार में कार्य। तो हम भोजन भी बनाते हैं तो क्या हम ममता के साथ स्नेह के साथ बना रहे हैं? तो ममता का भाव है, स्नेह का भाव है, ये स्वयं में स्थापित होने वाला भाव है, ठीक है ना। और जो हम भोजन बनाते हैं एक्सप्रेशन है उसका। तो हमारे अंदर ममता का भाव जितना ठीक से स्थापित होगा, हम दूसरे के शरीर का उतना अच्छे से ध्यान रख पाएंगे कि नहीं। हमें सुविधा की आवश्यकता जितनी ठीक से स्पष्ट होगी, हम सुविधाओं का उतना सदुपयोग कर पाएंगे, उतना हम समृद्ध महसूस करेंगे जितना स्वयं में, उतना हम दूसरे को पोषण कर पाएंगे। तो समृद्धि का भाव मेरे स्वयं में है, दूसरे का पोषण कर रहा हूं मैं, ये एक्सप्रेशन में दिखाई देता है, ये एक्सप्रेशन फॉर्म में दिखाई देगा। जी तो ये वैलिडेट करता है कि हमको बात दिखी है कि नहीं। अब मैं जब दूसरों के साथ निर्वाह कर रहा हूं तो उनका पोषण करने का प्रयास कर रहा हूँ या उनका शोषण करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं क्या पूरी दुनिया को लूट कर घर में सुविधा जुटाने में लगा हूँ या मैं दुनिया को समृद्ध बनाने में लगा हूँ? तो ऐसा हो सकता है पहले हम पूरी दुनिया को लूट कर अपने घर को भरने में लगे हुए थे, अब जब संबंध दिखाई दे गया तो अपनी आवश्यकता भी समझ में आई, दूसरों की आवश्यकता भी समझ में आई, तो अपनी आवश्यकता भी पूरी कर पा रहे हैं, दूसरे की आवश्यकता कैसे पूरी हो उसके लिए भागीदारी कर पा रहे हैं। ठीक जी भैया, अभी बहुत बढ़िया चर्चा आज हुई। तो बेसिकली ये जो कंटेंट है इसके तीन पक्ष हैं, सात्विक पक्ष, बौद्धिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। तो मैं अपने में बौद्धिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष की स्वीकृति मेरे में है ना, मेरे को ठीक लगता है, मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा है परिवार में और मेरे कार्यस्थल पे वहां दिखता है। लेकिन जिसका सात्विक पक्ष है वो पूरी तरह से मुझे मतलब जैसे व्यापक है, संपर्कता है ना, वो पूरी तरह से मतलब अभी स्वीकृति तो बिल्कुल नहीं है, वो एज ए कहानी ही है। तो क्या ये चीजें अनुभव से जुड़ी, मतलब सात्विक पक्ष अनुभव के साथ ही क्लियर होगा? नहीं नहीं, देखिए सात्विक पक्ष को हम विचार में विश्लेषण करके भी उसकी आवश्यकता को पहचान पाते हैं, कि जब तक हमें यही पता नहीं है कि मैं और शरीर अलग अलग हैं, ये तात्विक पक्ष है, तब तक हमें दोनों की आवश्यकता को पहचानने में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल तात्विक पक्ष क्या हुआ कि मैं एक चेतन इकाई हूँ, शरीर एक जड़ इकाई है, इन दोनों का सहअस्तित्व है, ये तात्विक पक्ष है। बौद्धिक पक्ष क्या है कि जब मैं इस चीज को देख पाता हूँ ठीक ठीक, तो मैं के लिए जो मुझे योजना बनानी है और शरीर के लिए जो योजना बनानी है, उन दोनों में अंतर मुझे दिखाई देता है कि शरीर के लिए क्या करना है और मैं के लिए क्या करना है। और व्यवहारिक पक्ष ये हुआ कि अब मैं वैसा ही उसको आगे जीने के लिए फैलाकर देख पाता हूँ। तो इकाई स्वयं में क्या है, इकाई की इकाई के साथ परस्परता क्या है, ये तात्विक पक्ष है। इसके साथ जीना कैसे होगा जो विचार के आयाम में होगा यानी ब्लॉक B2 में, ये बौद्धिक पक्ष है। और उसको जो जीते हैं हम व्यवहार में, कार्य में, भागीदारी में, व्यवहारिक पक्ष है। तो ब्लॉक B1 में देखें तो ये तात्विक पक्ष है, ब्लॉक B2 में बौद्धिक पक्ष है और जीने में व्यवहारिक पक्ष है। तो कई बार हमको लगता है कि विचार में स्पष्टता हो जाए तो काम बन जाएगा, बट ऐसा होता तब है
विचार में स्पष्टता तब ठीक से हो पाती है जब हमारे अंदर अनुभव बोध चिंतन की क्रिया जागृत हो पाती है। तो जब तक इकाई हमको स्पष्ट ना हो उसके बारे में हम कुछ ना कुछ मान के ही चलेंगे, परस्परता स्पष्ट ना हो उसके बारे में कुछ ना कुछ मान के ही चलेंगे, तो तात्विक पक्ष तो कोर में है, एसेंस में है, इसको इग्नोर करके तो आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि मेरे को जो अभी ऐसा लग रहा है वो इसीलिए है क्योंकि वो जो ऊपर की क्रियाएं हैं उनका भी मतलब वो जागृत नहीं है, इस वजह से ही मुझे वो ऐसा लग रहा है कहानी का, यही बात है। नहीं मतलब भी आप उसके महत्व को तो देख सकते हैं ना। हाँ हाँ वो तो है। जी जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बढ़िया भैया, समय हो चला है, कुछ और हैंड्स रेज़्ड हैं बट आज नहीं लेते हैं प्रश्नों को आपके, कल आपके प्रश्नों शुरू कर सकते हैं।